जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज बुधवार के दिन आप सभी सुनेंगे भगवान गणेश और श्री कृष्ण की कथा। और आज भादो महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी है, इसलिए मैं आप सभी को षष्ठी व्रत कथा भी सुनाऊंगी। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो आगे दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनिए यह कथा। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में मंगली योग नहीं था। वृषभ लगन में जन्मे श्री कृष्ण के नवम भाव में मंगल देव विराजमान है, अतः मांगलिक योग नहीं बनता। फिर भी मंगल देव ने विवाह में विघ्न उत्पन्न कर श्री कृष्ण को क्यों परेशान किया? श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह रचाने के लिए बारात लेकर द्वारिका से रवाना हुए। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाए, यह आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा हुआ। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर बारातियों के साथ निकले और कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि चूहे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बना रहे हैं और उनका रथ उन गड्ढों में कभी हिचकोले खाता है और कभी फंस जाता था। श्री कृष्ण और बराती परेशान होकर बोले, क्यों हो रहा है ऐसा? श्री कृष्ण ने विघ्नहर्ता श्री गणेश का याद किया और भगवान गणेश तुरंत प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने भगवान गणेश से पूछा, ये क्या हो रहा है? तब श्री गणेश ने कहा कि आपने जाने अनजाने में मेरी और भूमि पुत्र मंगल देव की उपेक्षा कर दी है। श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे? तब गणेश जी ने बताया कि प्रथम पूज्य विनायक गणेश की आपने पूजा नहीं की और ना ही उन्हें निमंत्रण दिया, इसके साथ ही आप बारात लेकर रवाना हो गए, लेकिन भूमि पूजन नहीं किया, यानी ग्राम देवता की पूजा नहीं की। जाने अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ करते हैं। बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर गलती हुई है तो उसका समाधान भी है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस मार्गदर्शन यानी परामर्श जरूरी है। श्री गणेश ने कहा कि विनायक की पूजा कर उन्हें न्योता देकर घर में विराजमान करते हैं और बारात रवाना करने से पहले भूमि पूजन करते हैं तो कोई विघ्न नहीं होता है। मेरे नाराज हो जाने से मेरी सवारी चूहे ने आपके मार्ग में विघ्न पैदा कर दिया, वही भूमि पुत्र होने के कारण मंगल देव भी आपके द्वारा भूमि पूजन नहीं करने से नाराज है। आपने मुझे स्मरण किया है, आता अपने चूहों को रोक रहा हूँ, लेकिन हर जातक को विवाह पूर्व मुझे विनायक के रूप में आमंत्रित कर घर में विराजमान करना होगा, तभी विवाह निर्विघ्न संपन्न होगा। इसलिए आज भी विवाह के पूर्व शहर के प्रमुख मंदिर से प्रतीकात्मक रूप से विघ्न विनाशक श्री विनायक को अपने घर ले आते हैं एवं विवाह निर्विघ्न होने के बाद उन्हें वापस मंदिर पहुँचाते हैं। श्री गणेश ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, पर आपको मंगल देव को मनाना होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जैसे आप कहे। फिर चूहा ने खड्डे बनाना बंद कर दिए और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उस स्थान पर नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात बारात आगे प्रस्थान की। वह परंपरा आज भी कायम है। आज भी हम बारात दूसरे शहर में ले जाते हैं तो बस के टायर के नीचे नारियल फोड़ते हैं। यह ग्राम देवता का पूजा और भूमि पूजन कहलाता है। लेकिन मंगल देव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए और श्री कृष्ण ने गणेश जी की सहायता से मंगल को प्रसन्न करने के लिए मांगलिक वस्तुओं का चलन प्रारंभ किया। मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं और उनका रंग लाल है। आता श्री कृष्ण ने मंगल को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग को बढ़ावा दिया। बैंड बाजे वालों के कपड़े का रंग लाल किया गया। आज भी लाल रंग का समावेश बैंड वालों की ड्रेस में होता है। फिर भी मंगल देव प्रसन्न नहीं हुए। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि
तब श्री कृष्ण ने प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी के साथ मिलकर मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मांगलिक वस्तुओं का चलन प्रारंभ किया। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि मंगल देव का रंग लाल है और श्री कृष्ण ने लाल रंग को ध्यान में रखते हुए मांगलिक कार्यक्रम यानी विवाह में लाल वस्तुओं को शामिल किया ताकि मंगल देव प्रसन्न हो सके। बारात जब रुक्मणी के घर पहुंची तब श्री कृष्ण ने दुल्हन की पोशाक का रंग लाल करवाया। दुल्हन को लाल जोड़े में सजवाया गया। श्री कृष्ण द्वारा दुल्हन की जोड़ी का लाल रंग करने की परंपरा आज भी चल रही है। श्री कृष्ण ने एक बार फिर गणेश जी का स्मरण करके पूछा, क्या आप सब ठीक है? गणेश जी ने कहा, नहीं, अभी मंगल संतुष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने लाल रंग के सिंदूर से दुल्हन की मांग भरी, लेकिन मंगल देव प्रसन्न नहीं हुए। श्री कृष्ण ने मंगल को प्रसन्न करने के लिए एक और प्रयास किया। श्री कृष्ण ने श्री गणेश की सहायता से मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन हार नहीं मानी। श्री कृष्ण ने लाल रंग के धागे में कस्तूरी रंग का लॉकेट रुक्मणी को गले में पहनाया, जिसे हम आज मंगल सूत्र कहते हैं। तब मंगल देव प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि एक भूमि पूजन नहीं करने से मंगल देव इतने रुष्ट हो गए। इस पर श्री गणेश ने कहा कि मंगल देव देवताओं के सेनापति है और इनका वर्ण लाल है, लेकिन भूमि पूजन से ही मंगल देव प्रसन्न हो गए थे। से सभी रस्में मैंने ही आपसे पूर्ण करवाए हैं ताकि कलयुग में मंगली दोष किसी को हो तो इन रस्मों से राहत मिल सके। आज भी मैं परंपराएं यूं की यूं बनी हुई है। मंगल दोष ना होने पर भी विवाह में मंगल वस्तुओं का होना अनिवार्य है। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। कहते हैं कि माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको यह प्रदान दिया था कि आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। उस उत्सव में शनि महाराज भी आए और माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी दृष्टि के वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि लगता है आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया। तब शनि देव ने कहा, ये ऐसा कोई बात नहीं है माता। लेकिन फिर पार्वती जी के कहने पर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, ऐसे ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव का माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा गया और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। अब सुनेंगे गणेश जी के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। शिव पुराण में भगवान गणेश के जन्म को लेकर एक कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणपति का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर बैठने का आदेश दिया और गणेश जी को कहा कि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद भगवान शिव आए तो गणेश जी ने अंदर जाने नहीं दिया और विवाद शुरू हो गई। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जब बाहर आई तो यह देखकर रोने लगी। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब गरुड़ जी को हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया। वह हाथी का सिर ले जाकर भगवान शिव को दे दिए।
शिव जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सिख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जय से
सेठ जी को दिया वैसा सैफ को देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दो साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, आपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना,
बेटे पोते को देना, हे लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती, ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं और छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, अभी मैं आपको इस घरे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी एक बिंदी और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी जिस घरे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घरे से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस यही वचन दे दो तो मैं आपको इस घरे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घरे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चनरा मिट लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चनरा मिट का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए।
जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकवनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो खरा उठा नहीं सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु जी कृष्ण मिल नहीं सकते। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दरअसल वज्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, उनका नाम था कुंभदास। कुंभदास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभदास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने से वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। कुंभदास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। जब बालक का रूप धारण कर भोजन करने आए श्री कृष्ण, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। हम सभी भोजन करते हैं, उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये हर्ष देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभदास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौट कर आते तो वो प्रसाद मांगते। उन्हें एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी सारा भोजन खा लिए। कुंभदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के भेष में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जर हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। सीता षष्ठी व्रत को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह व्रत संतान षष्ठी के नाम से जन्म मानस में प्रचलित है। हिंदू पांचांग के अनुसार यह दिन शक्ति स्वरूपा देवी ललिता को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था, जहां दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी नहीं उठे।
इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इसका पता माँ सती को चला और वो बिना भगवान शंकर से अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंच गए। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह माँ सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद माँ सती के शरीर के अंग कटकर गिर गए और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित है। नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। नैमिष एक लिंग धारिणी शक्तिपीठ स्थल है जहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही माँ ललिता देवी का मंदिर भी है जहाँ दरवाजे पर ही पंच पर्याग तीर्थ विद्यमान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य मत के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति में विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करते हैं। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती है तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती है। सृष्टि पुनः नव जीवन को पाती है। संतान सुख एवं उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत का बहुत महत्व है। इस अवसर पर भक्तगण व्रत रखकर माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए ललिता माता की जय।